देश भर में प्लास्टिक अभियान चलाया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक को भी देश भर में प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल लोग रोजाना अपने घरों में करते हैं और अपने घरों में इस्तेमाल करने के बाद उन्हें या तो कूड़ेदान में डाल देते हैं या फिर कहीं फेंक देते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के बंद होने के बाद भी दिल्ली में रोज कई हजारों टन कचरे का उत्सर्जन होता है, जिसमें से करीब 10% प्लास्टिक कचरा होता है। तमाम सरकारी सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए प्रयास करती हैं, लेकिन जब तक लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद नहीं करेंगे तब तक यह अभियान असफल होते रहेंगे। इसी क्रम में आज दिल्ली के साकेत गुरुद्वारा स्थित एक पार्क में इन अ व्हील क्लब ऑफ दिल्ली सैनिक फार्म्स ने सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का प्रयास करने के लिए शपथ ली, और यदि प्लास्टिक का इस्तेमाल होता भी है तो उसको सही स्थान पर पहुंचाया जा सके ताकि उसे रिसाइकल किया जा सके। इसी को लेकर उन्होंने ग्रीन बास्केट पार्क में लगाया, जिसमें लोग अपने यूज किए हुए प्लास्टिक को इस बास्केट में डाल सकेंगे ताकि इस प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए भेजा जा सके। वही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दक्षिणी दिल्ली जोन की डीसी एंजल भाटी पहुंची और उन्होंने इस बास्केट का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में दिल्ली के साकेत क्लब ऑफ सैनिक फार्म्स के सभी सदस्य मौजूद रहे। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली सैनिक फार्म से हूँ। आज हमने हार्ट बिन लगाया, ये हमारा सेकंड बिन है। हम बिन तो नहीं कहते इसको, हार्ट शेप यू नो ग्रीन बास्केट कहते हैं, जो गुरुद्वारे के सामने लगी ताकि एच ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के जितने भी रेसिडेंट हैं एंड गुरुद्वारे के जितना भी प्लास्टिक यहाँ इकट्ठा हो सकेगा, जो गार्बेज में जाता है, जो कूड़े में जाता है, वो बहुत नुकसान करता है हमारी यू नो एग्रीकल्चर को, नुकसान करता है हमारी सोसाइटी को। इससे इकट्ठा करके हमारी ऐसे प्रोग्राम बनाया हमारी डीसी ऋषि जी ने कि इसको हम दे देंगे तो हमें एक बेंच मिलेगा रिटर्न में, जो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार सभी को, मैं साकेत की निवासी हूँ और ये मेरा नाम है पायल गुप्ता है, नाम है वाइस प्रेसिडेंट हूँ अपने ब्लॉक डी ब्लॉक की। बट ये इनिशिएटिव हम लोगों ने पूरे इंडिया के लिए लिया है, पूरे दिल्ली के लिए लिया, लेकिन अभी हमने साकेत में दो बास्केट्स लगाई जाएंगी, ग्रीन बास्केट, जिसका पहला इनॉग्रेशन जो हो रहा है वो एच ब्लॉक गुरुद्वारे के सामने हो रहा है और दूसरा हम वहाँ करा रहे हैं जहाँ PVR, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक्स यूज़ होती है, स्पेशली जो बॉटल्स यूज़ होती हैं बिस्लरी की बॉटल्स, जो लोग आजकल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई है प्लास्टिक के ऊपर, उनके ऊपर ही अवेयरनेस प्रोग्राम किया जा रहा है। और आज इसको इनॉग्रेट DC मैम ने किया है। DC मैम की सपोर्ट से, AC सर की सपोर्ट से और MCD स्टाफ की सपोर्ट से हम लोग इस इनिशिएटिव को आगे कर पाए हैं, इंस्टॉल करा पाए हैं। अब हमें ये है कि लोग इसको अवेयर हो और डाले प्लास्टिक, जिससे कि वो इधर उधर ना डाल के इसमें डाले और वो रिसाइकिल होके किसी यूजेबल चीज़ में कन्वर्ट हो जाए। तो आप सभी से गुजारिश है, एक स्टेप एनवायरमेंट के लिए आप सब भी हमारे साथ लीजिए। थैंक यू। आई एम प्रोफेसर चरणजीत सिंह शाह, आई एम फ्रॉम गुरुद्वारा साकेत एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट टुडे बिकॉज इन दिल्ली देयर इज लॉट ऑफ पॉल्यूशन, तो जब तक वी हैव टू गो ग्रीन, तो ये गुरुद्वारा के साथ में मिलके और ये जो हमारी NGO फ्रॉम सैनिक फॉर्म हैं, दोनों ने मिलके इसको अभी इनॉग्रेट किया है सो दैट प्लास्टिक को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, ताकि हमारे दिल्ली में PM 2.5 जो 400 तक गया हुआ है वो नीचे आए और हम कम से कम शुद्ध बिल्कुल वायु लें। तो इसलिए ये दिस इज़ सच ए ब्यूटीफुल इनिशिएशन और मैं चाहूँगा कि सारे लोग सहयोग दें और नो प्लास्टिक इन दिल्ली, और ये प्लास्टिक इज़ ए पॉइजनस थिंग विच कॉजेज कैंसर, विच गोज इन टू अवर चेस्ट, विच गोज इन विद अवर ब्रीथ, और जो हम PM 2.5 में प्लास्टिक इनहेल कर रहे हैं दैट इज़ कैंसरस फॉर द बॉडी। सो लेट अस सी दैट फ्रॉम दिस फोरम इनिशिएशन और इसको मल्टीप्लाई करें और हर जगह हम देखें कि इंडिया इज़ without plastic and whatever we collect here it is going to be used recycled and recyclable material wo hum use kar lenge to ye bahut hi acha gurudwara saket ke sath mein milke jo uprala hua hai I really appreciate that।